बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 12 एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर ट्रांसमिशन। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर सीरीज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर ट्रांसमिशन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेल्ट, रोप एंड पुलीज एंड चेन्स एंड स्प्रॉकेट। सो अ क्विक रिव्यू कि हम अभी तक कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स। सो शाफ्ट एंड कपलिंग को हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस कर लिया था एंड अलॉन्ग विद पावर स्क्रूज। देन लास्ट लेक्चर में हमने गियर एंड गियर ट्रेन हमने डिस्कस कर लिया था अलॉन्ग विद ब्रेक एंड क्लचेस। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेल्ट, रोप एंड पुलीज एंड देयर टाइप्स एंड चेन एंड स्पॉकेट। चेन एंड स्पॉकेट क्या होते हैं, बेल्ट, रोप एंड पुलीज क्या होते हैं, ये हमने देखा था। सो आज के बाद यानी कि आज जब लेक्चर एंड होगा तो उसके कंक्लूजन में हम अभी तक ये सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। सो शाफ्ट, कपलिंग, पावर स्क्रूज, गियर, ये जब जितने भी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स हैं जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं इन दी मैकेनिकल फील्ड, इन दी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, या फिर किसी भी मैकेनिकल फील्ड में जो इस्तेमाल होते हैं, सो मोर और लेस सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके होंगे आज के लेक्चर के एंड तक। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेल्ट। Belt is a loop of flexible material used to link two or more than two rotating shafts mechanically, most often parallel. Belt may be used as a source of motion to transmit power efficiently or to track relative movement. So, what is belt? Belt क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो rotating shafts होते हैं उसके दरमियान power को transmit करने के लिए आप belt को इस्तेमाल करते हैं। For example, दो रोटेटिंग शाफ्ट है, एक शाफ्ट कुछ दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है, लेट सपोज कि 1 मीटर के डिस्टेंस है, तो उन दोनों के दरमियान, दोनों पैरेलल है, सो उन दोनों के दरमियान को पावर ट्रांसमिशन के लिए, पावर ट्रांसमिट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बेल्ट इस्तेमाल करेंगे। सो लेट सपोज कि आपके पास दिस इज़ द, इसको आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द रोटेटिंग शाफ्ट और ये रोटेटिंग शाफ्ट नहीं है। सो पावर को यहाँ से लेकर इस यहाँ तक ट्रांसमिट करने के लिए आप बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो बेल्ट को फिर फर्दर आपने बेल्ट इस्तेमाल किया, आल दो इसके ड्राइविंग शाफ्ट जो है ना, ड्राइविंग शाफ्ट एक ये, सपोज दिस इज द ड्राइविंग शाफ्ट एंड देन इसके जरिए, बेल्ट के जरिए आपने फर्दर जो दूसरे जो शाफ्ट है उनको आपने क्रिएट कर दिया। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ बेल्ट, कि हम बेल्ट कहाँ पर यूज़ करते हैं। बेल्ट बेल्ट जो है ना, ये जो बेल्ट है, दिस इज़ द फ्लेक्सिबल मटेरियल used to link a two or more than two rotating shaft mechanically and most often parallel, जो कि shaft जो है ना वो normally parallel में होते हैं। Belt may be used as source of motion to transmit power efficiently or to track relative movement. So concluding the slide, what is the belt? Belt जो है ना वो एक flexible material होता है, most probably rubber के बने होते हैं, rubber not the flexible rubber जो कि stretch होता है, not the फ्लेक्सीबल रबर बट हार्ड रबर इस्तेमाल करते हैं, या फिर नॉर्मली क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, हाई क्वालिटी क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं। सो बेल्ट इन दिस वे, बेल्ट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो दो या दो से ज़्यादा जब आपके पास शाफ्ट होते हैं, एक रोटेटिंग शाफ्ट है एंड या आप कह सकते हैं कि एक ड्राइविंग शाफ्ट है, एक ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइविंग शाफ्ट से लेकर ड्रिवन शाफ्ट तक आप जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर ट्रांसमिशन को जब ट्रांसमिट पावर को जब ट्रांसमिट करना है तो आप बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड, और ये बहुत ही आसान है, बाकी भी टाइप्स भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ आ जाएगी। बेल्ट, रोप्स एंड पुलीज जो आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखे होंगे वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आप यहाँ पर। सो टाइप्स ऑफ बेल्ट, राउंड बेल्ट, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट एंड टाइम बेल्ट। सो वट इज़ राउंड बेल्ट, वट इज़ वी बेल्ट, वट इज़ फ्लैट बेल्ट एंड वट इज़ टूथ बेल्ट। सो ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो ये बेल्ट के टाइप्स हैं। राउंड बेल्ट मतलब सिंपली जो आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, जो कि हर जगह पर होते हैं वो, और वी बेल्ट भी आपने मोटर्स में देखे होंगे, मोटर्स में आपको नोटिंग कवर आपने देखे होंगे आपके मोटर्स में, या फिर और भी जो आपके पास घरों में जो अंदर पंप होते हैं, मोटर होते हैं, वहाँ पर वी बेल्ट आपको नजर आएंगे। फ्लैट बेल्ट एंड टूथ बेल्ट, टूथ बेल्ट भी आपको आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, तो उसको आप एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो राउंड बेल्ट,
राउंड बेड आर जनरली मेड अप ऑफ रबर. दिस टाइप ऑफ बेड इज जनरली यूज फॉर लाइट लोड्स सच एज इन दिस सीविंग मशीन एंड वैक्यूम क्लीनर. सो वैक्यूम क्लीनर एंड सीविंग मशीन में स्पेशली आपने देखा होगा कि राउंड बेल्ट होते हैं. सिंपली एक बेल्ट होता है जो कि फ्लाई व्हील के ऊपर आप अटैच करते हैं. इन दिस वे पावर ट्रांसमिट होते हैं. एक फ्लाई व्हील छोटा होता है, एक फ्लाई व्हील बड़ा होता है. सो आप पावर को बहुत मैकेनिकली और एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए आप बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं विद इन द फ्लाई व्हील. सो लाइक दिस, सो ये आपने देखा होगा जस्ट लाइक दिस. ये आप कह सकते हैं कि सीविंग मशीन में इसी तरह का मैकेनिज्म होता है. सो दिस इज द बेल्ट. दिस इज जो आपने ऑरेंज कलर में जो आप देख रहे हैं, दिस इज द बेल्ट. दिस इज अ राउंड बेल्ट. वीवर आर आर्ग्यूएबली द मोस्ट वाइडली यूज बेल्ट इन इंडस्ट्री. वी बेल्ट हैव अ शेप वी शेप क्रॉस सेक्शन विच अगेंस्ट द साइड ऑफ वी फुली अंडर टेंशन. द वी शेप क्रॉस सेक्शन प्रिवेंट्स बेल्ट फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ. सो वी का जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शाफ्ट. क्रॉस सेक्शन को मैं समझा रहा हूँ. दिस इज द शाफ्ट. शाफ्ट की एक लेंथ होती है, एक डायमीटर होती है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड डायमीटर ऑफ फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीमीटर कह सकते हैं. सो जब आप यहाँ से देखेंगे, सो विद इन द लॉन्गिट्यूड वाली साइड से देखेंगे, तो उसका जो एरिया होगा उसको आप कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो यहाँ पे कह रहा है कि वी बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन इस तरह से होता है कि ये स्लिप ऑफ यानी स्लिपिंग होने से बच जाता है. ये मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि आप फ्लैट बेल्ट में जो आप फ्लैट बेल्ट के एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि जब पावर ट्रांसमिट हो रही होती है तो मोस्ट हाई पॉसिबिलिटी है कि इसमें बेल्ट जो है ना वो स्लिप हो. स्लिप जब होगा तो पावर ट्रांसमिशन सही तरह से नहीं होगी और एज अ रिजल्ट पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और यहाँ पे जो आउटपुट आपको आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास नहीं मिलती. सो वी बेल्ट में इस तरह के चांसेस कम होते हैं, जो स्लिप होने के चांसेस कम है. एंड जिसपे आपको जो आउटपुट चाहिए होता है, जो कैलकुलेटेड आउटपुट है, वही आपको मिल रही होती है. दिस इज द वी बेल्ट. सो दिस इज द वी बेल्ट. वी कुछ इस तरह की शेप की होती है. ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये या मोटर में इस्तेमाल करते हैं या फिर और बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जो आपके जो फ्लाई व्हील है ना वो वी शेप का होता है और उस वी शेप के अंदर वी बेल्ट को आप मूव कराते हैं जिससे पावर ट्रांसफर होता है. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज राउंड बेल्ट. राउंड बेल्ट आर द जनरली दर मेड अप ऑफ रबर. रबर से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम सेव मशीन या वैक्यूम क्लीनर में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. वी बेल्ट कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मोटर्स में और बाकी और भी जगहों पर, फर्दर और भी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं. इसका फ़ायदा यह है कि स्लिप नहीं होता, लेकिन राउंड बेल्ट मोस्ट प्रोबेबली स्लिप हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है. थर्ड इज फ्लैट बेल्ट. फ्लैट बेल्ट आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर. दे आर जनरली क्लासिफाइड एज आइदर स्मॉल वोवन एंडलेस बेल्ट और हायर पावर फ्लैट बेल्ट. सो ये सेम मैकेनिज्म है, राउंड बेल्ट के हैं, वी बेल्ट के हैं, या फिर फ्लैट बेल्ट के हैं, या फिर टाइमिंग बेल्ट के हैं. तो जितने भी बेल्ट हैं, जितने भी टाइप का बेल्ट है, वो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. पावर विद इन या शाफ्ट हो सकते हैं, या फिर विद इन फ्लाई व्हील हो सकते हैं, या कोई और भी मैकेनिज्म हो सकता है. सो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन फ्लैट बेल्ट भी इसी तरह से यूज़ होते हैं, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आप यूज़ करते हैं. लेकिन जो कि ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन को जब आपने ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना हो तो तब आप फ्लैट बेल्ट यूज़ करते हैं. दे आर जनरली क्लासिफाइड ए स्मॉल वुमन एंडलेस बेल्ट और हाई पावर बेल्ट फ्लैट. सो फर्दर फ्लैट बेल्ट को आपके सही थे कि दो टाइप्स के हैं, स्मॉल वुमन एंडलेस बेल्ट और हाई पावर फ्लैट बेल्ट. सो फर्दर आप कह सकते हैं कि देर आर टू टाइप फर्दर टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट. सो द वुमन एंडलेस फ्लैट बेल्ट आर स्पेशली यूजफुल वेयर मिनिमम वाइब्रेशन इज रिक्वायर्ड एज द ड्राइविंग ड्रिवन पुली ड्यू टू द सेमी इलास्टिक मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट टाइप इज वुमन एंडलेस बेल्ट. सो इसको आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वाइब्रेशन बहुत कम चाहिए होती है, क्योंकि इसमें जो जब पावर ट्रांसमिट जब कर रहे होते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लिया था कि गियर या फिर शाफ्ट एंड कपलिंग में भी हम डिस्कस कर लिया था कि जब इसको कपल करते हैं, जब शाफ्ट को जब अलाइन करते हैं, तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है. जब अलाइन नहीं होगा
तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो सेम इसी तरह यहाँ भी है, जब बेल्ट से आपस में फॉर एग्जाम्पल दो फ्लाईव्हील्स को आपने बेल्ट बाई मीन्स ऑफ बेल्ट आप पावर ट्रांसमिशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो वहाँ पे वाइब्रेशन होती है। सो अलाइनमेंट जब नहीं होगी तो वाइब्रेशंस होगी। सो जब जहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं चाहिए होती वहाँ पे वुवन एंडलेस बेल्ट आप इस्तेमाल करते हैं। सो द हायर पावर बेल्ट आर यू ऑफन यूजफुल बिकॉज दे एलिमिनेट द हाई एलिमिनेट द नीड ऑफ हाई बेल्ट ट्रांसमिशन सॉरी टेंशन यूज टू ग्रिप द पुलीज विच इन टर्न रिड्यूस द लोड ऑन द शाफ्ट बेयरिंग। सो फ्लैट हाई पावर फ्लैट बेल्ट कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो हाई जो बहुत ज़्यादा हाई हाई ट्रांसमिशन जब हो रही होती है, हाई पावर ट्रांसमिशन जब हो रही होती है वहाँ पे टेंशन होती है। सारी बातें जब मतलब आपस में एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रखती है, अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स रखती है तो ग्रिप जो है ना वो लूज़ हो जाता है। तो वहाँ पे जब वहाँ जहाँ पे ग्रिप लूज़ ना हो वहाँ पे जहाँ पे हाई टेंशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे आप हाई पावर फ्लैट बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ द फ्लैट बेल्ट। तो सिंपली जो आप नॉर्मली देखते हैं फ्लैट बेल्ट ही होते हैं, लेकिन इसमें इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ करते हैं उस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज देर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट। फर्स्ट इज वुवन एंडलेस बेल्ट एंड सेकेंड इज हाई पावर फ्लैट बेल्ट। सो लास्ट टाइप ऑफ बेल्ट इज टाइमिंग बेल्ट। सो व्हाट इज टाइमिंग बेल्ट या फिर टूट्स बेल्ट या फिर टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आप बहुत ज़्यादा रोबोट्स में इस्तेमाल करते हैं, रोबोट्स में टाइमिंग बहुत रिक्वायर होती है। जब प्रोग्रामिंग करते हैं रोबोट्स में तो उसके लिए टाइमिंग बेल्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सर्वो मोटर छोटे छोटे सर्वो मोटर रहते हैं फिर रोबोट्स में इस्तेमाल करते हैं। रोबोटिक आर्म्स फॉर एग्जाम्पल आर्म्स बनाने हैं, रोबोटिक्स आर्म बनाने हैं आपने तो हर आर्म के लिए जो जहाँ पर मूवमेंट चाहिए होती है वहाँ पर सर्वो मोटर यूज़ करते हैं और सर्वो मोटर के अंदर टाइमिंग बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, टाइमिंग बेल्ट यूज़ होता है। तो इटसेल्फ जो है ना आपके पास रोबोट्स में इटसेल्फ टाइमिंग बेल्ट इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। टाइमिंग बेल्ट आर टूल्स बेल्ट दैट यूज देयर टीथ फॉर पावर ट्रांसमिशन एज अपोज टू फ्रिक्शन। सो टाइमिंग बेल्ट आर टूल्स बेल्ट यानी कि टूथ होते हैं इनके दांत होते हैं डेट यूज देयर टीथ फॉर पावर ट्रांसमिशन। सो टूथ जो है ना वो टीथ जो है ना आपके पास जो पावर ट्रांसमिशन का टीथ इस्तेमाल करता है जिसका जिस लाइक गेयर्स हैं। गेयर्स में आपने देखा था जब गेयर्स अपने के टाइप से हमने पढ़े थे तो गेयर्स के आउटर सरफेस पे बहुत सारे टीथ होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेयर। सो टीथ की वजह से टीथ आपस में जब मैश होते हैं एक गेयर से दूसरे गेयर के टीथ आपस में मैश होते हैं तो पावर ट्रांसमिशन होती है। सो यहाँ पे भी ये सही है लेकिन गियर जो है वो राउंड शेप में होता है फिर उसमें होता है फ्लैट शेप में होता है, लेकिन टूथ बेल्ट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, आप किसी भी शेप में आप इसको मोड़ सकते हैं। दिस कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट इन नो स्लिपेज एंड देयरफॉर द ड्रिविंग ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट रिमेन सिंक्रोनाइज्ड। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ बेल्ट एंड टू डी शेप। सो टाइमिंग बेल्ट एंड टूथ बेल्ट आर टू टूथ बेल्ट डेट आर डेट यूज द टूथ यानी कि पावर ट्रांसमिशन के लिए टूथ इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रांसमिशन का मेन फ़ायदा यही है कि इसके अंदर स्लिपेज नहीं होती है। सो जब ड्रिविंग शाफ्ट एंड ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट आपस में सिंक्रोनाइज रहता है हमेशा। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ बेल्ट एंड पुलीज। सो दिस इज़ द पिक्चर। सो दिस इज़ द टीथ, ये टीथ हैं बहुत सारे। सो इसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन इस्तेमाल होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द गेयर, गेयर पर बहुत सारे गेयर हैं, गेयर्स के बीच में गेयर्स के दरमियान जो है ना वो बेल्ट बेल्ट जो है ना वो मूव हो रहे हैं। तो इन दिस वे मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन पावर इज ट्रांसमिटेड। सो दी वट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव के जो है फ़ायदे क्या क्या हैं। सो बेल्ट ड्राइव्स आर सिंपल एंड इकोनॉमिकल देन रोप्स एंड चेन्स। सो रोप्स एंड चेन्स, रोप्स आगे पढ़ेंगे एंड चेन ड्राइव आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल है और इकोनॉमिकल है। ऑल्दो चेन्स एंड रोप भी जो है ना पावर ट्रांसमिशन के इस्तेमाल करते हैं उसके अपने फ़ायदे हैं,
लेकिन अगर हम बेल्ट की बात करें तो बेल्ट जो है वो सिंपल है और इकोनॉमिकल है, सस्ते हैं, दे डोंट नीड पैरेलल शाफ्ट। बेल्ट ड्राइव में तो पैरेलल शाफ्ट चाहिए होता है, लेकिन पैलेसर ड्राइव के ऊपर नहीं भी चाहिए होता है पैरेलल। अगर नहीं होगा, नहीं होगी इस चीज़ें, तो आप तब भी बेल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट ड्राइव्स आर प्रोवाइडेड विद ओवरलोड जाम एंड जैम प्रोटेक्शन। ओवरलोड वही है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पिछली स्लाइड में हमने दिखाया था कि बहुत सारे गेयर्स हैं, इनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप से वहाँ से पावर ट्रांसमिशन कर दी हो तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नॉइस एंड वाइब्रेशन आर डैम्प आउट मशीनरी दैट इज इंक्रीज बिकॉज लोड फ्लक्चुएशन आर शॉक एब्जॉर्ब। ओके, शॉक एब्जॉर्ब होती है ना, शॉक एब्जॉर्प्शन जब होती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, शॉक को एब्जॉर्ब करना। सो जब शॉक में मीन्स वाइब्रेशन, सो वाइब्रेशन बहुत जब होती है तो इसको डैम्प करना, उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, मशीन की लाइफ बहुत कम हो जाती है। मशीन की लाइफ 50% 70% कम हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मशीन की लाइफ अगर 10 ईयर्स है तो इसकी लाइफ कम होकर बहुत कम रह जाती है। जब हम जहाँ पे आप बेल्ट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन और नॉइजेस बहुत कम होते हैं, तो इन दिस वे मशीनरी लाइफ जो है ना, मशीन की लाइफ जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। जैसे लुब्रिकेशन फी देर रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, और लुब्रिकेशन आपको नहीं चाहिए होती है। आपने देखा होगा चेन एंड स्पॉकेट में जो आप बाइक्स में इस्तेमाल करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन जो बाइक्स में चेन और स्पॉकेट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ग्रीस चाहिए होती है। यहाँ पे जब आप बेल्ट इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी लुब्रिकेशन नहीं चाहिए होती है। बेल्ट ड्राइव्स आर हाईली एफिशिएंट इन यूज अप टू 90%, यूजली 95%। 95% या फिर 98% इसलिए क्या हुआ कि जब आप बेल्ट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे पावर लॉस बहुत कम होता है, पावर लॉस नहीं होता है। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जब आप बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट करते हैं तो 98% चांसेस है कि वही पावर आपको नेक्स्ट शाफ्ट में मिले जो कि ओरिजिनली होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली ये कम देखने को मिलता है, लेकिन बेल्ट ड्राइव आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सही पॉसिबल है कि 95% टू 98% आपको वही ट्रांसमिशन, वही पावर मिले टू द सेकेंड शाफ्ट। दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट इज लार्ज। सो डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज लार्ज, यानी कि एक एक शाफ्ट है, एक ड्राइविंग शाफ्ट है, एक ड्रिवन शाफ्ट है। एक ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के दरमियान डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर 2 मीटर तक होता है, तो तब जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब जब उसमें क्या नाम है कि बहुत डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो जब बेल्ट के थ्रू या फिर किसी और चैनल के थ्रू, गियर्स के थ्रू, मल्टीपल गियर्स लगाने पड़ते हैं, या फिर पावर स्क्रूज के थ्रू, या फिर शाफ्ट एंड कपलिंग के थ्रू वहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पावर ट्रांसमिशन पावर लॉस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप बेल्ट इस्तेमाल करेंगे तो पावर लॉस बहुत कम होगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द बेल्ट। बेल्ट के बारे में यही था। उसके बाद हम रोप और पुलिस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेल्ट के एडवांटेजेस यही है कि ये इकोनॉमिकल है, ये 80 टू 95% टू 98% जो है ना पावर लॉस इसमें नहीं होता ना, और पावर ट्रांसमिशन होती है। लुब्रिकेशन फ्री है, कोई इसमें ग्रीस या फिर कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसमें नॉइस और वाइब्रेशन जो है ना वो नहीं होती, बहुत कम होती है। नाउ रोप। सो द रोप ड्राइव्स आर वाइडली यूज इन द लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर ओवर द कंसिडरेबल डिस्टेंस। सो रोप ड्राइव्स एक है बेल्ट ड्राइव्स, एक है रोप ड्राइव ड्राइव्स। तो रोप ड्राइव भी पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स इसमें चीज़ नहीं है कि जो जिस पर्पज़ के लिए आप बेल्ट इस्तेमाल कर रहे थे उसी पर्पज़ के लिए जो ना आप रोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिस जहाँ पर आप बेल्ट जहाँ जहाँ जिस जगह पर आप बेल्ट इस्तेमाल कर रहे थे विद इन द फ्लाई व्हील, यानी कि दो फ्लाई व्हील के बीच में आप बेल्ट इस्तेमाल कर रहे थे, दो शाफ्ट के बीच में आप बेल्ट इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहीं पे आप रोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों की एफिशिएंसी डिफरेंट होगी, दोनों का वर्किंग डिफरेंट होगा। सो इट मे बी नोटेड दैट यूज ऑफ बेल्ट, फ्लैट बेल्ट इज लिमिटेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मॉडरेट पावर फ्रॉम वन फ्लुइड टू अनदर व्हेन
when the two pulleys are not more than 8 meter apart. So there is a limitation, एक limitation है flat beds के. जो flat beds आपने देखा था वो चार चार different type के beds आने लगे थे, flat beds, round bed, V bed and timing beds. तो flat beds जो के बारे में आपने पढ़ा था कि बहुत हाई जो है ना, बहुत डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है ना तो वहाँ पे पावर ट्रांसमिशन के लिए आप यूज़ करते हैं. लेकिन फ्लैट बेल्ट की भी लिमिटेशन है. लेट सपोज कि फ्लैट बेल्ट की लिमिटेशन जो है ना 8 मीटर अपार्ट है, 8 मीटर्स या फिर 8 मीटर से ज़्यादा अगर होगा तो फ्लैट बेल्ट वहाँ पे यूज़फुल नहीं होगा. तो वहाँ पे जहाँ पे फ्लैट बेल्ट यूज़फुल नहीं होता वहाँ पे रोप इस्तेमाल करते हैं. सो 8 मीटर से कम अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर या फिर 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने पावर ट्रांसमिट करना है विद इन दी टू शॉप, विद इन दी टू पुलिस, विद इन दी टू ड्राइवर, तब आप फ्लैट बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन डिस्टेंस जो है ना जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन होती है वो डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, 8 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है. तो 8 मीटर से जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आप फ्लैट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे रोप ड्राइव इस्तेमाल करेंगे. सो इफ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर आर टू बी ट्रांसमिटेड बाई द फ्लैट बेल्ट देन इट विल बी रिजल्ट इन एक्सेसिव ब्लड क्रॉस सेक्शन. सो इफ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर आर टू बी ट्रांसमिटेड और फर्दर आपने ज़्यादा अमाउंट में पावर ट्रांसमिट करना है फ्लैट बेल्ट से, देन इट वुड बी रिजल्ट इन एक्सेसिव बेल्ट क्रॉस सेक्शन. सो क्रॉस सेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन जो ना एज रिजल्ट क्रॉस सेक्शन में कोई टेंशन आ सकती है और कौन टियर एंड टियर हो सकता है. सो वहाँ पे आप रोप ड्राइव इस्तेमाल करेंगे. सो फर्स्ट टाइप ऑफ रोप ड्राइव्स, सो रोप ड्राइव्स है कि फाइबर रोप्स. फर्स्ट टाइप जो है ना वो आपके पास, देर आर टू टाइप्स ऑफ रोप ड्राइव्स. सो फर्स्ट इज फाइबर एंड सेकेंड इज वायर. सो फाइबर रोप्स क्या होते हैं कि सिंपली जो कपड़े से बने होते हैं, जो वुवन से बने होते हैं, वो उसको आप कहते हैं फाइबर रोप्स. द फाइबर रोप्स फॉर ट्रांसमिटिंग पावर आर यूजुअली मेड फ्रॉम फाइबरस मटेरियल सच एज हेम्प, मनीला इन कॉटन. देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स. फाइबर रोप जो है वो हेम्प, मनीला एंड कॉटन, यानी कि तीन डिफरेंट डिफरेंट अलग के क्लॉथ से बने होते हैं बेसिकली. सिंस द हेम्प एंड मनीला फाइबर आर रफ, देयरफॉर द रोप्स आर मेड ऑफ दीज फाइबर आर नॉट फ्लेक्सिबल एंड पोजेस पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. जो कि हेम्प एंड मनीला दो टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के फाइबर हैं, तो जो जो कि रफ होते हैं, अगर उनसे आप फाइबर रोप्स बनाएंगे तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही पुअर होती है. यानी कि आप जब बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये फेयर हो सकता है, ये टूट सकता है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइबर रोप ड्राइव्स. दे गिव स्मूथ स्टेडी एंड क्वाइट सर्विस. दे आर लिटल अफेक्टेड बाई आउटडोर कंडीशन. द शाफ्ट मे बी आउट ऑफ स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट. The power may be taken off in any direction in any fractional part of the fault amount. They give high mechanical efficiency. So इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? स्मूथ और स्टडी जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और जो फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन है या फिर एटमोसफेयर जो है ना वो इतना यूजफुल नहीं है, इतना फेवरेबल नहीं है, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो दोनों कंडीशन में ये कोई इफेक्ट नहीं होता. द शाफ्ट में भी आउट ऑफ सो शाफ्ट जो ना, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू शाफ्ट जिसके दरमियान आपने पावर ट्रांसमिट करना है और आपने फाइबर रोप्स के की मदद से ट्रांसमिट करना है, तो क्या होगा, इवन की थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट होगी भी अगर, तो क्या होगा, ये मिनिमाइज कर देता है, ये नलीफाई कर देता है. द पावर में भी टेकन ऑफ इन एनी डायरेक्शन. जो एनी डायरेक्शन में पावर जो ना आप ट्रांसमिट कर सकते हैं. दे गिव हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी. इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी जो ना थोड़ी सी हाई होती है. सो दिस इज द हेम्प रोप. सिंपली आप कह सकते हैं रस्सी कह सकते हैं इसको उर्दू में. दिस इज द मनीला रोप. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज द फाइबर रोप्स. फाइबर रोप्स जो है ना वो पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि फाइबरस मटेरियल से बने होते हैं, फाइबरस मटेरियल फॉर एग्जांपल हेम्प, मनीला एंड कॉटन. सो इसके फ़ायदा ही क्या है, इसके फ़ायदे ये कि वो बहुत ही स्मूथ एंड स्टडी सरफेस, स्टडी जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं.
जो पुअर कंडीशन, जब ये डिपेंड नहीं करता कि कौन से कंडीशन, कौन से मौसम में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी मौसम में, इधर गर्मी हो या फिर एक्सट्रीम सर्दी हो, तो ये चल जाता है। जहाँ पे मिस अलाइनमेंट होती है, तो मिस अलाइनमेंट को भी ये नलीफाई कर देता है। इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, अगर दो शाफ्ट के दरमियान आप पावर का स्विच कर लें और अगर वो दोनों मिस अलाइन हो। सो रोब ड्राइव्स, सेकेंड टाइप ऑफ रोब ड्राइव इज वायर रोब्स। वन द लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली, इट इज पुली ऑफ 150 मीटर अपार्ट, 150 इज बिग एनफ, देन वायर रोब्स आर यूज। वायर रोब्स आर यूज इन एलिवेटर्स, मैन होल्स, क्रेन्स, कन्वेयर एंड सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज में आपने देखा होगा, अगर सस्पेंशन ब्रिज में आपने आपने नहीं देखा हुआ है, मोस्टली मोस्ट पॉसिबल है कि आप सिटीज में रहेंगे, रहते हैं जो लोग, तो उन्होंने नहीं देखा होगा सस्पेंशन ब्रिज। तो एलिवेटर्स तो देखा होगा आपने, एलिवेटर्स में जो रोब्स इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ द वायर रोब। सो दिस इज डेट मीन ऑफ द स्टील। स्टील के डिफरेंट वायर्स होते हैं, तो उसकी कम्बिनेशन से जो आप रोब्स बनाते हैं, जो रस्सी बनाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड वायर रोब। सो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे हैं कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। रोब्स आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सीबल, स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सीबल होते हैं, प्रोवाइड स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन, इट कैन रन इन एनी डायरेक्शन, लो कॉस्ट एंड इकोनॉमिक, प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ द मशीन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो अगेन जस्ट लाइक एडवांटेजेस ऑफ द वायर रोब के एडवांटेजेस देखा था कि उसमें जो है ना वो मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कोई ऑयलिंग या फिर ग्रीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना है और रन करना है, कि यहाँ भी ये सही है, तो ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे ये ऑपरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है, प्रोवाइड स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन, और इसमें कोई क्वाइट ऑपरेशन मीन्स कि इसमें जब कोई रन कर रहा होता है, जब ये मशीन रन कर रही होती है, जब पावर ट्रांसमिट कर रही होती है, तो इसमें कोई शोर नहीं होता, ये क्वाइट होता है बहुत। इट कैन रन इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में, इधर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज किसी भी डायरेक्शन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लो कॉस्ट एंड इकोनॉमिक, प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द पिक्चर ऑफ वायर रोप। सो ये आपने देखा होगा। सो कंक्लूडिंग द स्लाइड, व्हिच इज द वायर रोप आप जब 150 मीटर, 150 या 150 से ज़्यादा डिस्टेंस पे जब आपने पावर ट्रांसमिट करना होता है, वहाँ पे आप वायर रोप इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और इसको आप एलिवेटर्स में, इसको सस्पेंशन ब्रिज में, कन्वेयर बेल्ट में, क्रेन्स में आप इस्तेमाल करते हैं। क्रेन्स में स्पेशली आपने देखा होगा, ये क्रेन्स में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेन से लिफ्ट करने के लिए, क्रेन आपने देखा होगा ओवरहेड क्रेन कह लें या फिर मूवेबल क्रेन कह लें, तो उसमें ये इस तरह के रोब इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही फॉर एग्जाम्पल कई टन्स में आप उसको जब वेट को लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे ये कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है, और इन एनी डायरेक्शन क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो प्रिसाइज अलाइनमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो बहुत ही प्रिसाइज अलाइनमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। अलाइनमेंट रिक्वायर्ड होती है, हर जगह होती है, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज नहीं होती, जिस तरह गियर्स में या फिर जिस तरह पावर स्क्रूज में आपको अलाइनमेंट चाहिए होती है। नाउ पुलीज, सो वी हैव डिस्कस्ड द बेल्ट एंड रोप्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पुलीज। पुली इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ वन आर मोर बील्ट ओवर विच यू यू लूप अ रोप, मेक इट इजियर टू लिफ्ट थिंग्स। सो टू या दो से ज़्यादा व्हील्स को की असेंबली को आप कनेक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ रोप। रोप हमने देख लिया, रोप के दो टाइप्स हमने देख लिया, वायर रोप एंड फाइबर रोप। सो लेट सपोज पुली जो है ना वो दो या दो से ज़्यादा व्हील के दरमियान जब आप रोप इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सपोज फाइबर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे उसको आप पुली कहते हैं बेसिकली। तो बहुत ही वहाँ पे पुली जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो लोड है ना, जो आपके पास जो फोर्स लगाते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है।
आपने 10 न्यूटन लगाया, तो आपको जो आउटपुट चाहिए वहाँ पे 30 न्यूटन, 40 न्यूटन भी, डबल या ट्रिपल भी आपके पास फोर्स वहाँ पे ट्रांसमिट हो रही होती है। सो ये कैसे हो रही होती है, पुलिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिस्ट। सो पुलिस आर द एग्जाम्पल व्हाट साइंटिस्ट कॉल मशीन। सो सिंपल मशीन, आपने सिंपल मशीन, कंपाउंड मशीन आपने मेट्रिक में फिजिक्स में देखा होगा। सो सिंपल मशीन्स होते हैं ये, सिंपल मशीन सब इसलिए क्योंकि इसमें कोई इंजन या फिर कोई पावर ट्रांसमिशन रिकॉर्ड नहीं होती है, जस्ट आपने एक रस्सी लिया और व्हील लिया तो सिंपल वे आपने पावर ट्रांसमिट कर लिया। तो पुराने ज़मानों में कुएं से पानी निकालने के लिए पुली इस्तेमाल करते थे, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पुली। दिट डज नॉट मीन दैट दे आर पैक्ड विद इंजन एंड गेयर, इट जस्ट मीन्स दे हेल्प अस मल्टीप्लाई फोर्सेस। सो सिंपल मशीन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें इंजन्स नहीं होते, गेयर्स नहीं होते हैं, और ये ऊपर शाफ्ट नहीं होती, कपलिंग नहीं होती, पावर स्क्रूज नहीं होते हैं, गियर एंड गियर ट्रेंड्स नहीं होते हैं, ब्रेक्स नहीं होते, क्लचेस नहीं होते हैं। लेकिन सिंपल क्या होता है, एक रस्सी होती है, एक व्हील होती है। सो जस्ट इन दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई द फोर्स, तो उसमें मल्टीप्लाई फोर्स को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई पुली इज द सिंपल मशीन। सो जस्ट लाइक दिस, ये वायर्स या फिर रोप को इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज द पुली, इसके अंदर पुली इस्तेमाल किया हुआ है। सो इन दिस वे जब आप यहाँ से जब वेट को जब लिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही जब कम फोर्स लगा के इतने बड़े वेट को, टन्स में वेट को आप उठा सकते हैं। सो इफ यू वांट टू लिफ्ट अ रियली हैवी वेट, देर इज ओनली मच फोर्स योर मसल्स कैन सप्लाई, इवन इफ यू आर द वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बट वी यूज सिंपल मशीन सच एज पुली एंड यू कैन इफेक्टिवली मल्टीप्लाई द फोर्स ऑफ योर बॉडी प्रोड्यूस। सो जहाँ पे बहुत हाई फोर्स रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे बहुत आप फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन आप जब इस पुलिस मत करेंगे तो उसी उसी हाई वेट को जो कि आप जिसको आपने लिफ्ट करना है उसको सिंपल और कम फोर्स लगा के आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज पुली, पुली इज द कनेक्शन ऑफ वन और वन मोर देन वन व्हील, एक व्हील या फिर एक से ज़्यादा व्हील को जब आप रोप के साथ जोड़ते हैं तो आप उसको पुली असेंबली कहते हैं। फर्दर पुलिस आर द सिंपल मशीन, इसमें गेयर्स और कम्बिनेशन ऑफ गेयर, कम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट, कम्बिनेशन ऑफ कपलिंग या लंबे लंबे पावर स्क्रूज नहीं होते हैं, जस्ट इसमें क्या होता है कि बेल्ट है और आपके सॉरी रोप है और पुली है और आपके पास व्हील है। सो इन दिस पे आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंपल मशीन। सो अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट को लिफ्ट करना है सो वहाँ पे उतनी फॉर एग्जांपल 10 टन आपने फोर्स को वेट को लिफ्ट करना है तो वहाँ पे उतनी ही फोर्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है, आपने जस्ट सिंपली पुली असेंबली आपने लगाया और कम फोर्स में उसी 10 टन को आपने लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पुलीज। फर्स्ट इज फिक्स पुली। फिक्स पुली आपने बहुत लोगों पे देखा होगा, एग्जाम्पल है व्हेन अटैच टू अ बकेट पुलिंग वाटर फ्रॉम द वेल, जब कुएं से पानी निकालने के लिए जब बकेट अटैच करते हैं टू द व्हील एंड बाय द मींस ऑफ रोप, वही है फिक्स पुली। तो आप क्या करते हैं वहाँ पे जो पुली है ना वो आप एक जगह पे फिक्स करते हैं, व्हील को जो है ना एक जगह पे फिक्स करते हैं एंड रोप को अटैच करके टब के साथ या फिर बकेट के साथ आप फिर पानी को ऊपर खींचते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स पुली। फिक्स पुली इज द वन इन विच द ड्रम इज रिक्वायर्ड टू अ सिंगल स्पॉट सिक्योर टू इस सिंगल स्पॉट, एक ड्रम को या फिर एक व्हील को एक सिंगल स्पॉट पर आप फिक्स करते हैं। व्हाइल द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट और मूव एन ऑब्जेक्ट इज नो डिफरेंट देन इफ यू आर लिफ्टिंग इट बाई हैंड, द फिक्स पुली अलाउज यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हील। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स पुली। सो आपने इसको लिफ्ट करना है, 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेट जहाँ पे आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ से हाथ से पकड़ा हुआ है और 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 100 न्यूटन ही यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और
सिंपली आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स पुली, और फिक्स इसलिए क्योंकि ये एक जगह पे फिक्स्ड है। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज फिक्स पुली? फिक्स पुली से कहते हैं जो कि जहाँ पे व्हील जो है एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, ड्रम एक जगह पे फिक्स होते हैं और इसको सिक्योर करते हैं, और अदर साइड से आप अदर साइड पे आप दी रोप आप फोर्स लगाते हैं और वेट को लिफ्ट करते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं कि आप कुएं से जब पानी निकालते हैं, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स पुली। सो मूवेबल पुली, व्हाट इज मूवेबल पुली? मूवेबल पुली इज द वन इन विच ड्रम मूव्स एज यू मूव द लोड। सो इसमें अनलाइक द फिक्स पुली, मूवेबल पुली में क्या होता है कि व्हील जो है ना वो साथ साथ मूव हो रहा होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके और भी फायदे हैं, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। देर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट यू नीड टू अप्लाई, बट लोड विल फील लाइटर देन इट इज। सो इन दिस वे इसकी कंबिनेशन से क्या होता है कि बहुत ही लाइटर फील होता है। अच्छा, इसकी इसका रीज़न बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारी कैलकुलेशन भी होती है। सो राइट नाउ जैसे नाउट द टॉपिक कि दो या दो से ज़्यादा पुली जो है ना वो इस्तेमाल करने से, दो से ज़्यादा व्हील करने से क्या फ़ायदा होता है, इसके अंदर बहुत से मैकेनिक्स मौजूद होते हैं, उसको आप एक्स वाई एक्सेस से आपको रिजॉल्व करके फिर वो उस तरह समझ आएगी। लेकिन राइट नाउ दिस इज नॉट अ टॉपिक, जैसे आप समझ लें कि लोड जो है ना वो लोड को नलीफाई करते हैं, लोड को मिनिमाइज करते हैं। इफ यू आर होल्डिंग अ हैवी है बेल अप इनटू द लॉक ऑफ बैंड, फॉर एग्जांपल अ मूवेबल पुली वुड मेक द लोड फील मच लाइटर ऑल्दो द डायरेक्शन यू आर पुलिंग वुड बी सेम। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल पुली। आपने क्या किया था कि लास्ट लास्ट जो लेक्चर लास्ट स्लाइड में फिक्स पुली हमने डिस्कस किया था। फिक्स पुली में क्या था, ये जो मैकेनिज्म है वो ऊपर की तरफ फिक्स्ड है। सो फिक्स्ड होने की वजह से क्या हो रहा था कि आपने एक साइड से आप लोड फोर्स लगा रहे थे और एक साइड से लोड था, और इन दिस वे आप लोड को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लोड के साथ साथ ये ऊपर एक और पुली होगी, ऑब्वियसली एक और पुली होगी, लेकिन लोड के साथ साथ ये मूव हो रहा होता है, ये पुली जो है ना लोड के साथ साथ मूव हो रहा है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये जो है ना फ़ायदा ये है कि लोड विल फील लाइटर देन इट इज़। सो जो आल आल जो आपके पास लोड है वो उससे लाइटर फील होगा। कंपाउंड पुली, इन द कंपाउंड पुली सिस्टम देर इज अ बोथ मूवेबल पुली एंड द फिक्स पुली। सो जो लास्ट दो टाइप के पुलीज हैं वो उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड पुली बनता है, यानी कि इसमें फिक्स पुली भी है और एक कंपाउंड पुली भी है। सो दिस मीन्स दैट नॉट ओनली डज द लोड फील लाइटर बट यू कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो फिक्स पुली या फिर मूवेबल पुली में ये नुकसान था, ये आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज था कि उसमें आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते थे, एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आप लोड को कैरी कर सकते थे। लेकिन कंपाउंड पुली में दोनों ऑप्शन हैं, आप इसको डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और यू कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन, बट आल्सो जो ना लोड जो ना वो लाइटर फील होगा। ऑल्दो दिस टाइप ऑफ कन्फ्रेंशन मेक्स इट पॉसिबल टू मूव हैवी लोड वेरी इजिली, द ट्रेड ऑफ इज दैट कंसिडरेबल मोर मोशन इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। सो इसमें जो मोशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसमें मोशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड पुली। आप यहाँ से एक ही जगह से फोर्स लगा रहे होते हो, ठीक है जी। सो लेकिन आपने फिर फोर्स लगा रहे होते, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोड जो ना डिफरेंट डायरेक्शन में भी आप फोर्स लगा सकते हो, और जो जो लोड है ना वो लाइटर फील होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे लाइट फील होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आप नहीं कह सकते, बहुत ही आपको स्टडी करना पड़ता है कि व्हाट डिफरेंट डिफरेंट टाइप, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके आप इसको प्रूव करते हो कि ये जो आप फोर्स लगा रहे हो तो उतना फील क्यों नहीं आता, यानी कि जो लोड है ना वो लाइटर आप क्यों फील कर रहे हो, या फिर दोनों डायरेक्शन में आप फोर्स कैसे लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा फर्दर टॉपिक है, इसके अंदर आपको समझने की ज़रूरत है। तो लेकिन राइट नो हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट को डिस्कस करना।
पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट्स जो है ना वो पुली भी है, तो पुली के फर्दर टाइप है फिक्स पुली, मूवेबल पुली एंड कंपाउंड पुली, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्दर ये काम कैसे करते हैं, ये इसमें जो है ना लोड कैसे लाइट होते हैं, इसमें जो फोर्स आप लगाते हैं वो कैसे डबल हो जाता है ट्रिपल हो जाता है, या तो ये जो ना वो अलग टॉपिक है, इसको आप फिलहाल ब्रीफ। सो द लास्ट मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट इज द चेन एंड स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट इज द टूथ बीड दैट फिट्स ऑन टू द शाफ्ट। इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेटिंग ऑन द शाफ्ट बाई अ की दैट इज फिक्स इन टू द की बेस इन टू स्प्रॉकेट। सो स्प्रॉकेट आपने देखा होगा, जब बाइसाइकिल आपने चलाए होंगे तो बाइसाइकिल के जो ना चेन होते हैं वो स्प्रॉकेट होते हैं। तो चेन जिसके ऊपर लगे होते हैं स्प्रॉकेट, यानी कि टीथ ऊपर की तरफ निकले होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट, यानी कि ये जो स्प्रॉकेट और चेन में डिफरेंस है, यानी कि स्प्रॉकेट इज नॉट द गियर। सो स्प्रॉकेट जो है ना वो गियर नहीं है, बट इट्स अ डिफरेंट मैकेनिक, डिफरेंट थिंग। सो डिफरेंट चीज़ है ये, इसके ऊपर टीथ जो है ना वो यू शेप में बने होते हैं ऑन द वाटर सर्फेस। सो इन जो स्प्रॉकेट के ऊपर बेल्ट लगता है, लेकिन गियर के ऊपर बेल्ट नहीं लगता है, चेन लगता है लेकिन गियर के ऊपर चेन नहीं लगता है। अ चेन इज यूज टू कनेक्ट टू स्प्रॉकेट। वन स्प्रॉकेट इज द ड्राइवर स्प्रॉकेट, द अदर स्प्रॉकेट इज द जॉइंट स्प्रॉकेट। दो स्प्रॉकेट, यानी कि बाइसाइकिल की मिसाल आप ले लें, एक जगह पे स्प्रॉकेट होते हैं और दूसरी जगह स्प्रॉकेट होता है। सो जब आप पेडल चलाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जब पावर ट्रांसमिशन के लिए आप वहाँ पे चेन इस्तेमाल करते हैं। मोशन एंड फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय चेन फ्रॉम वन स्प्रॉकेट टू अनदर, देयरफॉर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर चेन्स देयर आर कनेक्ट टू द ट्रांस कनेक्ट टू यूज टू ट्रांसमिट मोशन एंड फोर्स फ्रॉम वन स्प्रॉकेट टू अनदर इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन चेन्स। पावर ट्रांसमिशन चेन्स चेन्स बोलते हैं इसको, जब आप चेन इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिट वन फोर्स वन मोशन टू अनदर, तो उसका चेन ट्रांसमिशन करते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल, आप इसको बाइक से कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पेडल है, उसके थ्रू जब आप मूव कर रहे हैं तो दिस इज द स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट का आप देख सकते हैं कि जो टीथ है ना वो ऊपर की तरफ बने हुए हैं, लेकिन ये आप याद रखिए कि ये गियर नहीं है। सो अनलाइक गियर, स्प्रॉकेट इज अनदर थिंग। स्प्रॉकेट के ऊपर बेल्ट लगते हैं, चेन लगते हैं। सो जब चेन के अंदर ये जो टीथ है ना वो जब फंस जाते हैं, तो इन दिस वे द पावर इज ट्रांसमिटेड। सो जब दिस इज द, आप कह सकते हैं कि ड्राइविंग स्प्रॉकेट और दिस इज द जॉइंट स्प्रॉकेट। सो ड्राइविंग स्प्रॉकेट के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि जो ऊपर जो टीथ बने होते हैं वो चेन के अंदर फंस जाते हैं, और इन दिस वे पावर ट्रांसफर होता है। और इन दिस वे जो आपके पास जो सेकेंड एंड पे जो स्प्रॉकेट लगे होते हैं वहाँ पे मूवमेंट होती है, वहाँ पे मोशन ट्रांसफर होती है। सो यहाँ पे व्हील हो सकता है, सो इन दिस वे व्हील जो है वो मूव हो जाते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ये मोटर एंड पंप एंड मोटर असेंबली है। सो पंप एंड मोटर असेंबली में बेल्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्प्रॉकेट और चेन और स्प्रॉकेट भी लगे हुए हैं। सो बेल्ट के थ्रू भी ये यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रही है, और चेन और स्प्रॉकेट के थ्रू भी यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रही है। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, कोई और टाइप्स की डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इसके टाइप्स भी होंगे, स्प्रॉकेट के चेन्स भी होंगे, चेन्स के भी टाइप्स होंगे, लेकिन फर्दर इसको इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज स्प्रॉकेट एंड व्हाट इज चेन। सो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ चेन एंड स्प्रॉकेट। नो स्लिप एंड क्रीप ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन। इट इंश्योर द परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो। द आउटपुट साइड रेशियो इज प्रिसाइज स्पीड। सो इसमें स्लिप नहीं होता है, स्लिप बहुत कम चांस होता है, क्योंकि टूथ के अंदर टूथ जो होते हैं उसके ऊपर जो चीज होते हैं वो मैश हो जाते हैं, उसको फंस जाते हैं बिल्कुल चेन के अंदर। सो ये बहुत ही कम चांस होता है, या फिर स्लिप होने के बहुत कम चांस होता है। तो इस वजह से स्मूथ पावर ट्रांसमिशन होती है। हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी देन फ्रिक्शन ड्राइव। इट कैन ऑपरेट अंडर वेट कंडीशन। सो किसी भी कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर रेनी डेज में भी आप इस बाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एफिशिएंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
इट कैन यूज इन शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, इट ट्रांसमिट मोर पावर देन बेल्ट एंड रोप ड्राइव, द चेन ड्राइव परमिट हाई वेलोसिटी रेशियो इन सिंगल स्टेप, इन लो स्पीड ड्राइव्स चेन ड्राइव आर मोर प्रैक्टिकल देन बेल्ट, सिंस ऑल पार्ट आर मेड ऑफ मेटल इट रिक्वायर लेस एरिया देन बेल्ट ड्राइव, लेस रोड लोड ऑन द शाफ्ट फॉर लेस फ्रिक्शनल लॉस. सो दीज आर द एडवांटेजेस. इसमें क्या होता है कि इसमें क्रीप नहीं होते, स्लिपेज नहीं होती है, बहुत हाई ट्रांसमिशन होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप. सो जो बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स के रिप्लेसमेंट जब इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. सो इन लो स्पीड ड्राइव्स चेन ड्राइव आर मोर प्रैक्टिकल देन बेल्ट, सिंस ऑल पार्ट आर मेड ऑफ मेटल इट रिक्वायर लेस एरिया देन बेल्ट ड्राइव. सो यू नो ऑल सारी चीज़ें जो है वो मेटल से बने हुए हैं, बेल्ट और चेन दोनों जो ना वो मेटल से बने होते हैं. लेस लोड ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर लेस लोड होता है, लेकिन चेन और स्प्रॉकेट के ऊपर ज़्यादा लोड होता है. वन चेन कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मोशन टू मोर अदर टू शाफ्ट. तो एक चेन से दो या दो से ज़्यादा शाफ्ट के बीच में आप पावर को ट्रांसमिट करके इस्तेमाल करें. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, देर आर दे मे बी वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन अंडर एक्सेसिवली स्ट्रेस चेन कंडीशन. सो द पावर द प्रोडक्शन ऑफ चेन ड्राइव इज हायर देन बेल्ट ड्राइव्स, द चेन ड्राइव नीड एक्यूरेट एंड केयरफुल माउंटिंग. सो आप देख सकते हैं कि ये चेन है, इस चेन में जो है ना वो बहुत ही इसके चेन चेन के बीच में जो क्लियरेंस होती है, सो जो चेन जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस से बने हुए हैं, उन पीसेस के दरमियान जो स्पेसेस होती है वो बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है. वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है तो मैश नहीं होता, इन दिस वे स्लिपेज होती है और पावर लॉस हो जाती है. द चेन ड्राइव नीड केयरफुल मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन एंड स्लैक एडजस्टमेंट. इफ देर इज नो प्रॉपर लुब्रिकेशन द चेन वेयर आउट फास्टर देन बेल्ट एंड रोप. इसमें नुकसान ये है कि आपने देखा था कि बेल्ट रोप एंड पुलिस में लुब्रिकेशन नहीं चाहिए होती, इसमें ग्रीस ऑयल या फिर कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती, लेकिन चेन एंड स्प्रॉकेट में लुब्रिकेशन चाहिए होती है, इसमें ग्रीस चाहिए होती है. आपने ग्रीस अगर नहीं लगाया तो क्या होगा, वेयर एंड टियर हो गया, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि दो मेटल जब आपस में मैश हो जाते हैं, दो मेटल आपस में जब फ्रिक्वेंटली टकराते रहते हैं तो क्या होता है, वेयर एंड टियर होता है, घिस जाता है. सो टू प्रिवेंट द वेयर एंड टियर वहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि स्मूथ मोशन होती रहे. तो वहाँ पे जब ग्रीस हो या फिर ऑयल जब नहीं लगाएंगे तो ये वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है और इसकी लाइफ जो है ना वो बहुत कम हो जाती है, 50% 60% लाइफ कम हो जाती है अगर आप लुब्रिकेशन नहीं करते हैं. इफ देर इज नो प्रॉपर लुब्रिकेशन. ओके सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, इसके जो चेन एंड स्पॉकेट ड्राइव के देर में भी वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन अंडर एक्सेसिव स्ट्रेस चेन कंडीशन, द प्रोडक्शन ऑफ चेन ड्राइव इज स्लाइटली हायर देन बेल्ट ड्राइव, द चेन ड्राइव नीड एक्यूरेट एंड केयरफुल माउंटिंग. जो केयरफुल माउंटिंग की ज़रूरत होती है इसकी, चेन ड्राइव नीड केयरफुल मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन एंड स्लैक एडजस्टमेंट. If there is no frequent proper lubrication, the chain wear out faster than belt and ropes. So this is the end of today's lecture. In fact, this is the end of the whole mechanical power transmission elements. So we have discussed the shaft and coupling, power screws, gear and gear trains, brake and clutches, belt, rope and pulleys. एंड चेंज इन स्प्रॉकेट. सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर दिया और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे. अल्लाह.